बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि उपभोक्ता अधिकार क्या है। तो उपभोक्ता जो होता है, वह उपभोक्ता कौन होता है? जैसे हम किसी वस्तु का यदि हम उपभोग कर रहे हैं तो वह उपभोक्ता कहलाता है। क्रेता कौन कहलाता है? जो वस्तु को बेचता है वह क्रेता कहलाता है। उत्पादक वो होता है जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो हम उपभोक्ता हुए तो हम उपभोक्ता के तौर पर हम किस तरह से हमारे अधिकार हैं, हम क्या कर सकते हैं। जिस तरह से आप फर्स्ट पेज में देख रहे हो, गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें, गलत दवा देने पर महिला की मौत, ये ऐड आपको समझ में आ रहा है। इससे क्या है, जो हम उपभोक्ता हैं उनके साथ किस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हुई है या उनके साथ गलत हुआ है। इस तरह से आप देखो, गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, उसमें भी कई बार जो विक्रेता होता है या उत्पादक होता है वह उस चीज़ से मुकर जाता है। तो उसके लिए हम न्याय किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे लिए अधिकार होते हैं और किस तरह से हमें जागरूक भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे बाजार में उपभोक्ता। स्वाभाविक है, बाजार में ही उपभोक्ता मिलेंगे, क्योंकि बाजार में हमारी जो भागीदारी होती है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही रूप में होती है। क्योंकि उत्पादक जो होता है वह भी व्यक्ति ही होता है, उपभोक्ता जो होता है वह भी व्यक्ति ही होता है। इस तरह से हम पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए नियमों और नियंत्रणों का भी पालन करना पड़ता है, साथ ही साथ उन कदमों की और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे नियम जरूरी है, नियंत्रण भी जरूरी है, ये कदम उठाना भी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इससे क्या है, महत्व जो संगठित मजदूरों के साथ भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे किसी साहूकार ने, जितने कि आप पहले से अध्याय 3 में भी हमने देख चुके हैं कि जिसमें मुद्रा और साग जब हम पढ़ रहे थे, वहाँ भी हमने देखा है कि साहूकार जो है किस तरह से लोगों की मजबूरी का वह फायदा उठाता है। वहाँ पर भी हम अपने न्याय के लिए कैसे लड़ सकते हैं, जैसे कि उसने हमको जिन शर्तों पर वह कर्ज दिया है, और यदि वह कर्जदार जो है वह हमें और अधिक पैसा देने के लिए मजबूर कर रहा है या बंधन डाल रहा है, तो हम उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं। इस तरह से हम बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा और नियम विनिमय की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम जो भी वस्तु, यदि उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है, क्योंकि जब वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसकी सेवा के बारे में कोई शिकायत होती है या विक्रेता जो है उसे उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। और मानो कि हम यदि बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता जो कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विक्रेता जो है वह उपभोक्ताओं पर ये सारी चीज़ें डालने की कोशिश करता है कि हमारी दुकान की नहीं है, आप रसीद दिखाइए, आप इस तरह से वह बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वह क्या करता है, उपभोक्ताओं पर डालने की कोशिश करता है। इसमें जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं तो और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और भी बिखरे हुए होते हैं, इस वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और विशेष रूप से वस्तु का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही होती हैं और अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार की चलाकीपूर्ण जो है बाजार को प्रभावित करती हैं, उपभोक्ताओं को आकर्षित करती हैं। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे, टीवी पर भी देखते होंगे, पेपरों में भी देखते होंगे कि विज्ञापन के माध्यम से किस तरह उपभोक्ताओं को वो आकर्षित करती है, अपने वस्तुओं की ओर लुभाती है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति जो होता है उसको कम से कम एक बार उसको उपयोग करने के लिए बाधित हो जाता है, और वह जो है उस वस्तु को वह खरीद भी लेता है। क्योंकि इससे जैसे कई बार क्या है, जैसे सिगरेट उत्पादन कंपनियां मनमाने ढंग से उनका उत्पादन भी करती है और उसमें एक ऐड भी लगा देती है कि स्मोक करना है ये कैंसर, जिस तरह से आप देखते होंगे सिगरेट में या फिर गुटखा में किस तरह से वो दिया जाता है, ये मतलब ये कैंसर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, उसको लेते हैं और उपयोग करते हैं। अब देखेंगे उपभोक्ता आंदोलन का जो है उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, जिसमें कि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पादन दुकानों से संतुष्ट नहीं होता है तो वह क्या करता है, उस ब्रांड का वस्तु नहीं खरीदेगा या फिर उस दुकानदार से वह लेना बंद कर देगा, खरीदारी करना बंद कर देगा, इस तरह से हम सुनिश्चित करते हैं, लेकिन हम अपने न्याय के लिए नहीं जाते हैं। इस तरह से भारत में जो सामाजिक बल के रूप में जो उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ, वह अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए और साथ ही साथ उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसकी आवश्यकता हुई, जिसमें कि खाद्य की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य तेल में मिलावट की वजह, जिस तरह से आप लोग देखते होंगे कि हमको अभी वर्तमान में भी शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे सब्जियों में भी कलर लगा होता है, जमाखोरी होती है, जमाखोरी होने से जो सामान होते हैं वह महंगे हो जाते हैं, खाद्य की कमी हो जाती है, और फिर जब उसकी मांग बढ़ने लगती है तो वह
अधिक से अधिक दामों में उनकी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। इस तरह से देखेंगे कि यात्री परिवहन अत्यधिक भीड़ भाड़ और दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया गया है और उपभोक्ता दलों की संख्या में भी बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई है। अब वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी, वस्तु और सेवा की जानकारी क्या है, हमें उस वस्तु का मालूम होना चाहिए, जैसे उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ होती हैं, जैसे उसके मूल्य होते हैं, बैच संख्या होती है, निर्माण की तारीख होती है, खराब होने की तारीख होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसको खरीदते समय, जब हम दवा खरीदते हैं तो हम उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में, निर्देश के बारे में, और यदि हम वस्त्र खरीदते हैं तो उसकी धुलाई संबंधी निर्देश जो होते हैं, उन सबकी जानकारी हमें होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि उसमें जानकारी नहीं है तो इसमें जो है हम सूचना पाने का अधिकार भी रखते हैं। उपभोक्ता जो है जब वस्तुओं की सेवाओं को खरीदता है तो उसके सूचना के अधिकार के लिए उपभोक्ता वस्तु की किसी भी तरह से हम उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम उस वस्तु को हम बदल सकते हैं या फिर हम पसंद नहीं आया तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से जो विनिर्माण दुकानदार जो होता है वह उसे लगा देगा। और साथ ही साथ अंतिम तिथि समाप्त हो गई है तो दवा बेचते समय भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, यदि हमें उसने गलत तरीके से हमें उस वस्तु को दे दिया है। यदि MRP रेट जो खुदरा मूल्य है और उसके द्वारा भी इंगित किया जाता है, यदि उससे ज़्यादा वह वस्तु कम दाम पर या मोल भाव कर सकते हैं कि उसे कम दाम पर वह हमको दे दे, यदि MRP रेट से वह ज़्यादा में बेचता है तो भी हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से हम सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा है। इसलिए 2005 के अक्टूबर भारत सरकार ने एक कानून लागू किया था जिसमें RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम सूचना को एकत्रित कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं और हम अपना न्याय ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ उदाहरण तौर पर देखिए, अमृता एक इंजीनियर स्नातक में नौकरी पाने के लिए अपनी मतलब जो प्रमाण पत्रों को जमा करने के लिए इंटरव्यू देने के बाद वह सरकारी विभाग में वह अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन उसको उसका रिजल्ट उसे समय पर प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इंटरव्यू भी अच्छा गया था। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पैसे लौटाए गए, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरह से जब व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम करने के बाद, 2 वर्ष पूरे अध्ययन करने के बाद उसने 61,000 जमा किए थे और उसके बाद फिर उसके बाद पैसा लौटाने की बात कही गई थी, यदि आपको जर्नी नहीं मिलता तो पैसा लौटाया जाएगा, तो उसके लिए भी मैं अपना न्याय ले सकती हूँ। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है व्यक्ति को जो है अपनी वस्तु, अपने पसंद की चीज़ें, हर चीज़ को चुनने का अधिकार उसको उपभोक्ता को होता है, ना कि हम विक्रेता के द्वारा दबाव बनाने पर हम उस वस्तु को लें या उस दबाव पर हम आसानी से आ जाएं। फिर यहाँ देखेंगे उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से भी यहाँ पर उपभोक्ता आंदोलन जो है विभिन्न निर्माण पहलू समानतः इसमें उपभोक्ता अदालत भी होता है जिसमें उपभोक्ता जो है अपना अपने आप को न्याय प्राप्त कर सकता है। फिर आवासीय कॉलोनी में रहते हैं, निवास कल्याण संघ है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो उपभोक्ता को हर चीज़ की जानकारी उसको होना चाहिए और उपभोक्ता के रूप में हम उपभोक्ता न्यायालय के प्रतिनिधि का अधिकार देकर भी हमें समर्थ बनाया जा सकता है, क्योंकि हम उपभोक्ता जो हैं हमको बहुत सारी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए और अपने अधिकार के बारे में हमको भी हमारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे ISI मार्क, जब हम वस्तु खरीदते हैं तो उसमें हम कुछ गुणवत्ता की चीज़ें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदेंगे तो उसमें ISI मार्क होगा, कोई भी वस्तु हम खरीदेंगे तो उसमें ISI मार्क होगा, वुड मार्क होगा, यदि ऊन खरीदेंगे तो उसमें वुल मार्क होगा, और यदि दूसरी वस्तु में एग मार्क होगा, और जैसे कि हम सोना चांदी लेते हैं तो उसमें हॉल मार्क होता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए और उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए यहाँ पर 24 दिसंबर को भारत राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 24 दिसंबर को भारत जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1986 में ही भारतीय संसद में उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम पारित किया था जिससे कि उपभोक्ता से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका न्यायालय निवारण जो है हम विशिष्ट न्यायालय के माध्यम से उसको कर सकते हैं। इस तरह से आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है जिसमें केवल 20-25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। और साथ ही साथ उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया जो है वह जटिल और खर्चीली और समय जो है वह साध्य साबित हो रही है, क्योंकि उपभोक्ता के वकीलों को सहारा लेना पड़ता है और साथ ही साथ मुकदमे जो है वह अदालती कार्रवाई में भी हमें
उससे फायदा मिलता है। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ जो है अधिकांश बहुत सी सारी वस्तुएं खरीदता है, और अधिकांश जब हम खरीदारी खरीदते करते हैं तो हम रसीद नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी खरीदारियों के समय जो है रसीद नहीं दी जाती, और ऐसी स्थिति में जो है प्रमाण जुटाना जो है वह मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, बाजार से हमने वस्तु तो खरीदा, या फिर अधिकांश छोटे फुटकर व्यापारियों से हमने वस्तु खरीदी या छोटी दुकानों से हमने खरीदी, तो हमने रसीद नहीं लिया या फिर हमने सामान का पूरा नहीं लिया है, तो इससे क्या है जो प्रमाण जो है साक्ष्य जुटाने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, और फिर न्याय मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि दोषमुक्त उत्पाद को पीड़ित उपभोक्ता जो क्षतिपूर्ति बोले जो कानून में संत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अधिनियम में 30 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है, क्योंकि इसमें श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भी कानून लागू होने के बाद भी खासतौर पर जो असंगठित जो क्षेत्र है उसमें क्या है वे कमजोर है, और बाजारों में कार्य करने के कारण ये नियमों का पालन करना, विनियमों का प्राय पालन करना, उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका के महत्व को समझने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होगा उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, आंदोलन प्रभावी भी हो सकता है, इसमें जो है स्वैच्छिक प्रवास या संयुक्त साझेदारी भी आवश्यक होनी चाहिए, और उपभोक्ता को ये मालूम होना चाहिए कि हम जो जिस दुकान से या जहाँ से हम वो वस्तु खरीद रहे हैं, यदि किराना दुकान से हम सामान खरीद रहे हैं तो वह हमें धोखा तो नहीं दे रहा है, मिलावट वाली चीज़ तो नहीं दे रहा है, साथ ही साथ वह नापतौल में गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हम जानते हुए भी कई बार क्या है उपभोक्ता जो है वह गलती कर जाता है, रसीद नहीं लेना, मोल भाव नहीं करना, बाजार की जानकारी नहीं रखना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वस्तु का ज्ञान नहीं होना, किसी वस्तु का मूल्य सही सही मूल्य पता ना होना, इस तरह से क्या होता है उपभोक्ता का शोषण होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमको अपने शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता जागरूकता होना, और उपभोक्ता जागरूक होने के साथ साथ अपने अधिकारों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने न्याय प्राप्त कर सकें।